टेरर फंडिंग मामले के बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने हुर्रियत नेताओं की संपत्ति जब्त किया है। लश्कर के आका हाफिज सईद के पैसों से बनी गई हुर्रियत नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। टेरर फंडिंग मामले में शामिल हुर्रियत के 11 नेता सरकार के निशाने पर हैं। इन नेताओं पर आतंक की फंडिंग के जरिए करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने का आरोप है। इनमें हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद का नाम भी शामिल है। लश्कर के आका हाफिज सईद के पैसे से बनाई गई हुर्रियत नेताओं की प्रॉपर्टी पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इस मामले में शामिल सभी हुर्रियत नेताओं की प्रॉपर्टी अब जब्त की जाएगी। ISI और पाकिस्तान का हाई कमीशन दिल्ली के अधिकारियों के जरिए दुबई से हवाला फंडिंग के माध्यम से आतंकी फंडिंग की गई। सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूस, नईम अहमद खान, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा करारे, शहीदुल इस्लाम पाक में मौजूद हवीजुल चीफ सैयद सदाउद्दीन अकबर खंडी, राजा मेहराजुद्दीन, पीर सैफुल्ला जहूर।